सलामुअलैकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? सीन कुछ ये है कि माय नेम इज मियां अनीक। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और उम्मीद है गलतियां भी मैं करूंगा। बताइए से पहले पहला व्लॉग गलतियां ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहानी आज कुछ यूँ है कि मेरे पास एक गाड़ी है, वो भी आपको दिखाते हैं। हम लोग उस गाड़ी से रिलेटेड मॉडिफाई करेंगे, उसकी मॉडिफिकेशन करेंगे, जनरल मेंटेनेंस करेंगे और एक अच्छी लुक बनाएंगे जिसमें आप लोग इन्जॉय करो। वैसे भी आप लोग इन्जॉय करेंगे, कुछ शुगर मिला, कुछ दोस्तों से मिल पाएंगे, कुछ खाएं पियेंगे और चिल करेंगे। तो ज़्यादा टाइम इंट्रो वेस्ट नहीं करते, इंट्रो में कुछ नहीं रखा, चलते हैं और आपको गाड़ी दिखाते हैं और निकलते हैं। तो हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त, माय बेस्ट फ्रेंड आया हुआ है, आपको उससे मिलवाते हैं जो आज की ख्वारी में, और मैक्सिमम ख्वारी तो हमारे साथ रहेगा, आपके वीडियो का यूज कराते हैं वन एंड ओनली शेख साहब। तो शेख साहब कैसे हैं आप सब? शुक्र अल्लाह जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसी भाई फीलिंग आ रही है? पहला व्लॉग बना रहे हैं हम। सर जी आपको मुबारक हो जी, आपने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। आप साहब से गुजारिश है जी, इन भाई को सपोर्ट करें, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इन्हें बड़ा शौक है व्लॉगिंग का, बाकी आपकी सपोर्ट है, आपने इनका शौक पूरा करना है। चलते हैं जी अब आगे। चले अब आपको गाड़ी दिखाते हैं, आप सबको इंतजार होगा कि हमारे पास कौन सी गाड़ी है। तो जैसे सिनेमैटिक्स एंजॉय किए होंगे उम्मीद है मुझे, निकल चुके हैं, शेख साहब हमारे साथ हैं, जा रहे हैं गाड़ी जनरल मेंटेनेंस के लिए। हम लास्ट डेज में नॉर्दर्न भी घूम फिर के आए और पंजाब भी सारा फिर के आए, तो जरा गाड़ी की काम शाम निकले हुए हैं, कुछ आवाजें हैं, कुछ जनरल मेंटेनेंस है वो कराते हैं। फिर इंशाल्लाह अगले ब्लॉग्स में आपको इसके रिम्स, इसको जमीन के साथ डेड ड्रॉप और काफी कुछ देखने को मिलेगा। बहुत कुछ सोचा हुआ है, साथ साथ आपके साथ मशवरा भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। तब तक आप कुछ सिनेमैटिक्स रस्ते के एंजॉय कीजिए, हम हमारा खूबसूरत वाकेंड एंजॉय कीजिए। तो पहुंच चुके हैं वो साजी के पास, साजी राउंड साउंड लगा ली है, अब गाड़ी खुलने चलने लगी है। शेख साहब गाड़ी आगे कर रहे हैं और ये भी हमारे ग्रेट उस्ताद जी हैं, जाहिद उस्ताद दी ग्रेट। मसला फाइंड हो गया है उस्ताद जी, क्या मसला है इसके अंदर? अच्छा, इनके अंदर ये प्ले आ रही है जिसकी वजह से ये आवाज़, आप ब्रेक लगाते हो आवाज़ करते हैं कर करते हैं। तो हमारे साथ जी ने यहाँ से हमें आप तो मिला नहीं था पूरा, क्योंकि हम वाकेंड रहते हैं, मंडी जाना पड़ना था। साथ जी ने जुगाड़ लगाया, ड्राइव पर जा रहे हैं, तो देखते हैं कि इशू रिजॉल्व हुआ है हमारा या नहीं हुआ। शेख साहब आगे बैठे हुए हैं, शेख साहब ज़रा फील ले रहे हैं कि आई थिंक सो के इशू गुजारा कर गया है, कि ट्रायल चल रही है गाड़ी की। एक ना अजीब सी फील है, जैसे कुछ चीज़ टकरा रही है, कुछ लग रहा है, आपने तो पता नहीं क्या रोल है। The next day. So, सलामुअलैकुम जिगर्स, तो कैसे हैं आप? सेकेंड डे सेम व्लॉग, सीन कुछ ये था कि हमने एक जुगाड़ लगाया था जिसकी वजह से गाड़ी चेक करने लाइट दे दिया, और उसकी वजह से एक और सेंसर होते हैं AGR सेंसर, तो वो उड़ गया है हमारा। तो हमने स्कैनर लगवाया और चेक करवाया तो AGR सेंसर का इशू है, और हमने आपके साथ मस्ती की थी तो उसका ABS का थोड़ा इशू आ गया था। तो आज सेकंड डे है, सेम उस्ताद जी के पास गाड़ी खड़ी है, ये उस्ताद जी बाहर घूम फिर रहे हैं, हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे उस्ताद जी को। ये देखे ये उस्ताद जी से स्माइल पास करते हैं, उधर आते नहीं, अभी आ रहे हैं। ये देखिए जी उस्ताद जी आ गए, तो अभी उस्ताद जी चेक करते हैं, बताते हैं हम स्कैनर लगवाए हैं। कौन क्या इशू आ रहा है उस्ताद जी? वो कह रहे हैं कि AGR सेंसर कह रहे थे ना आप, AGR सेंसर कह रहे चेंज करके दोबारा हो, तो बस ये हमारे बिजी उस्ताद जी हैं, घंटा हो के खड़े हैं। आज ही हमें खाना खिलाएंगे क्योंकि भूख लग रही है और खा सकते हैं उस्ताद जी की तरफ से। 2000 years later. उस्ताद जी गलत बात नहीं बोल रही, व्लॉग में बीप बीप डालना पड़ेगा मुझे, तो बस उस्ताद जी चेक करें AGR क्या रहे, चेंज करके लो AGR, चेंज करके लो उस्ताद जी, नहीं जी यार ना कुछ करो, तुम्हारी रोटी खिलाओ। ओ खाना आ चुका है, चेक सब फीलिंग एक्साइटेड बिकॉज वी आर वेरी हंग्री, तो मिलते हैं खाने के बाद। तो वापस आ गए हम लोग, उस्ताद जी सारी गाड़ी खोली भी, आपको चेक कराते हैं, सारी गाड़ी खुली हुई है,
टैबलेट कवर उठाया हुआ है, देखें अंदर से नीट एंड क्लीन साफ सुथरा इंजन है। अरे खोला उस्ताद जी, क्या इशू है? इसका एजीआर खराब है, ये नए डालेंगे गाड़ी। उस्ताद जी, एजीआर का पर्पस क्या होता है, किस लिए यूज होता है? ये आरपीएम के लिए और चक लाइट देता ज्यादा। सही, उससे कोई ज्यादा नुकसान भी होता है, फायदा नुकसान भी होता है? नुकसान तो नहीं, आरपीएम डाउन होगा तो नुकसान ही होगा, गाड़ी बंद होगी। और आजकल ये फ्यूल एवरेज भी नहीं दे रही, इसका भी कोई फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है। कितना का फर्क पड़ता है? थोड़ा बहुत पड़ता है फर्क, लेकिन ज्यादा नहीं। ज्यादा इसका इशू आता है आरपीएम डाउन होने में, गाड़ी बंद होने पे, खुदा ना खास्ता स्पीड में गाड़ी बंद हो, पीछे से कोई हिट ना कर जाए। सही सही सही। तो ये कहाँ से मिलेगा अब? ये या तो पिंडी से मंगवाना पड़ेगा या यहीं से किसी से पता कर लेते। सुभान अल्लाह उस्ताद जी, गड्डी खोल चोरी तो ना करें, पिंडी से मंगवाना पैसे इससे ही पता करो, जल्दी करो उस्ताद जी। तो ये उस्ताद जी हमारे तरह निकालते हैं, वो आप हमने अभी इधर सही नहीं कराए थे, चेंज कराए नहीं थे, उस्ताद जी नई फकी खोल दी है। तो स्टे ट्यून्ड, इंजॉय करें आप। इंजॉय वाली कुछ चीज़ दिखा नहीं रहा मैं आपको पहले व्लॉग में, लेकिन फिर भी स्टे ट्यून्ड, परेशान नहीं होना, आगे आपको बहुत कुछ अच्छा अच्छा भी नज़र आएगा। कुछ गाड़ी की हालात अंदरूनी हालात के बारे में सीख लो यार, आपको अंदर मॉडिफिकेशन दिखाएंगे इसकी, आपको उसके रिम टायर भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। फिलहाल कुछ इन चीज़ों के बारे में इंजॉय करो शेख साहब, जब बोर हो रहे हो। सो यार फाइनली दो दिन की ख्वारी के बाद, आज की पूरा दिन जलालत के बाद, हमारी गाड़ी ओके हो गई है, चेक इंजन लाइट चली गई है। मेन इशू पहले से आ रहा था एजीआर सेंसर का, लेकिन ना प्रॉपर रिजॉल्व हो गया और हम घर जा रहे हैं। और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग कुछ स्पेशल है, लाजमी देखिएगा, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़। अच्छा पाजी जी, पाजी जी क्या आज यू कहते हैं मेरे पास पैसे मुक्के, उनमें गाड़ी नहीं चलाना।